हेलो दोस्तों, नरसा टाइडिंग्स में आपका स्वागत है। रेल यात्रा के दौरान आपने कई बार इस तरह के ब्लैक बॉक्स जरूर देखे होंगे। क्या आपको पता है कि इन ब्लैक बॉक्स में क्या होता है और इसका इस्तेमाल कौन करता है? इसमें ऐसा कौन सा खजाना भरा होता है जो रेलवे किसी को नहीं बताता है? आपको बड़ी मजेदार जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रेलवे की भाषा में इन बॉक्सों को लाइन बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इंडियन रेलवे में इस तरह के लाइन बॉक्स लोको पायलट और गार्ड को ही दिए जाते हैं। इन ब्लैक बॉक्सों पर सफेद रंग से बोल्ड अक्षरों में लोको पायलट का पूरा नाम, उनकी पोस्ट और मुख्यालय का नाम लिखा होता है। इसके अलावा उनका पहचान चिन्ह भी अंकित कर दिया जाता है, जिससे ये बॉक्स सही ट्रेन में सही क्रू मेंबर के पास जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन ब्लैक बॉक्स में एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन बुक होती है, जो किसी भी इमरजेंसी में काम आती है। उदाहरण के लिए, यदि ट्रेन का इंजन सही काम नहीं कर रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है, उस बुक में लिखा हुआ होता है, जिससे लोको पायलट बिना किसी दूसरों की सहायता से उसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा गार्ड की एक मेमो बुक होती है और 10 डेटोनेटर यानी पटाखा सिग्नल होते हैं, 2 लाल व 2 हरी झंडी होती है और साथ में एक ताला भी होता है। इसके अलावा एलईडी लैंप और टेल एलवी बोर्ड भी होता है, जो दिन व रात के समय ट्रेन के सबसे पीछे वाले डब्बे में लगाने में काम आता है। 3 एलईडी लाइट जो लाल, हरी और सफेद रंग की होती है। इसके अलावा अलार्म चेन को रिसेट करने के लिए एक चाबी भी होती है। यदि कोई चेन पुलिंग करता है तो उसमें इस चाबी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है और एक शिकायत पुस्तिका और कैरेज की चाबी भी होती है। इसके अलावा एमयू पाइप के लिए रबर वॉशर, पार्सल बुक, फ्यूजी सिग्नल और एक टॉर्च होती है। और कई लोको पायलट और गार्ड अपना व्यक्तिगत या पर्सनल सामान भी इसमें रख सकते हैं, जैसे कि चादर, तौलिया, नैपकिन, राइटिंग पैड, सीट कवर इत्यादि। तो अब आप समझ गए होंगे कि रेलवे के इन ब्लैक बॉक्स में कौन सा खजाना भरा होता है और इसे कौन इस्तेमाल करता है।